सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 15 फरवरी सन 1949 में पुणे के निकट स्थित पूर्य ग्राम में जन्मे और मुंबई की कमाठीपुरा और गोलपीठा जैसी बदनाम बस्तियों में पढ़े लिखे विश्व कवि नामदेव ढसाल हमारे बीच में नहीं रहे। वो 15 जनवरी 2014 को आंत के कैंसर के कारण बम्बई में आखिरी सांस ली। उनका जाना डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम साहब के बाद दलित आंदोलन की सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि वे दोनों के बीच के सेतु थे। मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं SM न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन साहित्यकारों को, उन लेखकों को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। नामदेव लक्ष्मण ढसाल उसी कड़ी के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार इस देश में पैदा हुए। बदनाम बस्तियों में पैदा हुए, बम्बई की शेड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में, शूद्रों की बस्तियों में वे दलित और मुख्यधारा दोनों ही समुदाय के बुद्धिजीवियों की उपेक्षा के शिकार रहे। नामदेव ढसाल सभी के कार रहे। दलित बुद्धिजीवियों ने जहां उनकी जीवन की शेष बसी बेला में, क्योंकि वो बाद में शिवसेना में चले गए थे, उनके कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और काशी राम जी की पंक्ति में खड़ा नहीं होने दिया। जिस देश को मान सम्मान देने वाले मुख्य धारा के बुद्धिजीवी भी उन्हें सम्मान नहीं दे सके। उन्होंने जो काम किए, अगर किसी और समाज में पैदा हुए होते तो जो नोबेल विजेता टैगोर और नायपाल के मुकाबले अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने जो साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में जो कार्य किया उसे उचित स्थान मिलता तो भारत के खाते में एक और नोबेल पुरस्कार का नाम जुड़ जाता। लेकिन उन्हें पहचान नहीं दी गई, पहचान उन्हें नहीं मिली। एक बूचड़ खाने के कर्मचारी की संतान ढसाल ने छोटी मोटी नौकरियां करते हुए कविता का काम जारी रखा। महानगरीय अधोलोक में उन्हें एक ऐसे विद्रोही कवि के रूप में जन्म दिया जिसने अभिजनों की भाषा और व्यवस्था पर शक्तिशाली प्रहार किए। उनकी कविता की इन्हीं खूबियों ने कवि विष्णु खरे को यह उद्गार विचार करने के लिए प्रेरित किया कि अगर कविता का लक्ष्य मानव जात की समस्याओं का समाधान ढूंढना है तो ढसाल टैगोर से ज्यादा प्रासंगिक और बड़े कवि हैं। इस से आप अपनी उनकी महानता समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े कवि रहे होंगे। आगे वो लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कविता जगत में भारतीय कविता के विजिटिंग कार्ड का नाम नामदेव ढसाल है। ये उनकी पहचान उनकी कविता और साहित्य के कारण हुई। उन्होंने कविता की संस्कृति को बदला, कविता की परंपरा को, जिनको अभिजात वर्ग का कब्जा होता था उसको तोड़ा है। संभ्रांत कविता मर चुकी है, संभ्रांत जो दूसरे लोग जिसको कहते थे मर चुकी है, और इसे मारने का काम ढसाल ने किया है। आज हिंदी के अधिकांश सवर्ण कवि दलित कविता लिखने को मजबूर हो रहे हैं, कविता कर रहे हैं, इसका श्रेय भी लक्ष्मण ढसाल जी को जाता है। ढसाल ने देश की राजनीति को बदल दिया। भारत में ऐसा कोई और कवि नहीं हुआ। कितनी उपलब्धि नामदेव लक्ष्मण ढसाल की रही। ढसाल की तरह दुनिया के किसी कवि ने
दलित पैंथर जैसा उग्र राजनैतिक संगठन नहीं बनाया। महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर संगठन जो काम करता था वो नामदेव लक्ष्मण ढसाल ने बनाया था, जो एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो एजिटेटेड और करके जो मतलब आंदोलन करने वाला ऐसा संगठन किसी और ने नहीं बनाया। जबकि ढसाल चार दशक पहले जब भारत के पूर्वी हिस्सों में नक्सलवाद सुविधा संपन्न वर्ग में भय का संचार करता था, उन्हीं दिनों 9 जुलाई 1972 को पश्चिम भारत में 23 साल के युवा ढसाल ने दलित पैंथर जैसे विप्लवी संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने डॉक्टर अंबेडकर के मान अपमान से बोध शून्य दलित समुदाय को नए सिरे से जगाया, उन्होंने नई चेतना नई ऊर्जा पैदा की। इससे जुड़े प्रगतिशील विचारधारा के दलित युवकों ने तथाकथित अंबेडकरवादी नेताओं की स्वार्थ परक नीतियों तथा दोहरे चरित्र से निराश हो चुके दलितों में नया जोश भर दिया और उनमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की मानसिकता पैदा की और हिम्मत पैदा की। दलित पैंथर के एक महीने बाद ही नामदेव ढसाल ने घोषणा की कि यदि विधानसभा या संसद सामान्य लोगों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो उनमें आग लगा देंगे दलित पैंथर्स के लोग। इससे उस समय हड़कंप मचा दिया था। दलित पैंथर की प्रेरणा उन्हें अमेरिका के ब्लैक पैंथर से मिली थी। ब्लैक पैंथर आंदोलन जो अश्वेतों को उनके मानवीय और सामाजिक अधिकार राजनीतिक संगठनों से वंचित करता था, उनको अधिकार दिलाने के लिए 1966 में ब्लैक पैंथर्स की स्थापना अमेरिका के ब्लैक्स ने की थी। ढसाल और उनके क्रांतिकारी साथियों ने ब्लैक पैंथर्स की तर्ज पर दलित मुक्ति के लिए प्रतिसंकल्प अपने संगठन का नाम दलित पैंथर रखा था। यह संगठन अपने उत्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इसकी उपलब्धियां गर्व करने लायक हैं। इसने देश में स्थापित व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और बताया कि सताए हुए आदमी का आक्रोश क्या हो सकता है। इसने दलित राजनीति को एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने दलितों को सर्वहारा परिवर्तनकामी वेग की पहचान प्रदान की तथा उनके संघर्ष को दुनिया के अन्य दमित लोगों के संघर्ष से जोड़ दिया। दलित साहित्य के विस्तार में दलित पैंथर की भी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। दलित पैंथर और दलित साहित्य एक ही दो सिक्के के पहलू हैं, और वो सिक्का है नामदेव लक्ष्मण ढसाल। इसकी स्थापना करने वाले नेता साहित्य से जुड़े हुए थे। दलित पैंथर की स्थापना के बाद उनका साहित्य शिखर पर पहुंच गया और देखते ही देखते मराठी मुख्यधारा साहित्य के बराबर स्तर प्राप्त कर लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित पैंथरों ने मराठी दलित साहित्य में हिंदी पट्टी अन्य इलाकों में भी अपने काम फैलाया और वहाँ तक विचारधारा को फैलाया। दलित साहित्य को इस बुलंदी पर पहुँचाने का श्रेय ढसाल को जाता है, चाहे वो देश के किसी कोने में रहा हो। धरती के नरक में रहकर उन्होंने जीवन के जिस श्याम पक्ष को लावा की तरह तपती कविता में बदल दिया, वह दलित ही नहीं विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। रामदेव लक्ष्मण ढसाल क्योंकि सुर्खियों में नहीं रहे, क्योंकि ये बूचड़ खाने के एक कर्मचारी के बेटे थे। बंबई की बदनाम बस्तियों में पैदा हुए और पढ़े बड़े पढ़े लिखे नामदेव ढसाल, उन्होंने
मरने से पहले बाबा साहब के लिए कुछ शब्द लिखे थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन शब्दों को हम रामदेव ढसाल जी के लिए दोहरा सकते हैं। वो शब्द क्या थे? आज हमारा जो भी कुछ है सब तेरा ही है। यह जीवन और मृत्यु, यह शब्द और जीव, यह सुख और दुख, यह स्वप्न और यथार्थ, यह भूख और प्यास, समस्त पुण्य तेरे ही है। ये बाबा साहब के लिए उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। और ये सच है कि आज हम जो भी हैं वो बाबा साहब और उनके जैसे महापुरुषों के संघर्ष के कारण हैं। तो हम नामदेव लक्ष्मण ढसाल को इन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं के शब्दों के साथ हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे बीच से 15 जनवरी 2014 को चले गए थे। ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवि हमेशा जिंदा रहते हैं, जिंदा रहेंगे। दलित समाज में ही नहीं, सारे भारत में, सारे साहित्य में इनका नाम हमेशा चमकता रहेगा, निखरता रहेगा, इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ का जो ये सीरीज चला रहे हैं, कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिनके कारण हमें जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिला है उनके कारण। तो उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिनके इतिहास को बहुजन समाज में जन्म लेने के कारण भुला दिया गया, ऐसे इतिहास को हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम पे बैक टू सोसाइटी के तहत उनके इतिहास को खोज के लाएं और जन जन तक पहुंचाएं। तो SM न्यूज़ जो काम कर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं इस सीरीज में, हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से SM न्यूज़ के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप लोग भी पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर समाज के लिए काम करें, समाज को पे बैक करें। क्या पे बैक करना है आपको? टाइम पे बैक करना है, समय देना है समाज के लिए, और टैलेंट देना है। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो बुद्धि है, जो महापुरुषों के संघर्ष के कारण मिली है, उसे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उन्हें सामाजिक समस्या, राजनैतिक समस्या, आर्थिक जो समस्याएं हैं, जो माहौल चल रहा है, उसके बारे में बताएं, समझाएं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताएं और समझाएं। और तीसरा है ट्रेजरी। जहां ज़रूरत आप समझते हैं समाज को कहीं ज़रूरत है मदद की, कोई बच्चा अच्छा होनहार है, पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ रहा, तो आप बच्चे की मदद कर सकते हैं। आप किसी समाज में ऐसे किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो अपाहिज है और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो SM न्यूज़ ने भी एक अपील जारी की है कि SM न्यूज़ के पास अपनी पूरी टीम है। हम लोग तो पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो टेक्निकल स्टाफ है उनको तो तनख्वाह देनी पड़ती है, उनके खर्चे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो साथी SM न्यूज़ को आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो SM न्यूज़ को भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी दर्शकों का कि आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी निवेदन के साथ कि लगातार इस सीरीज़ को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और जन जन तक पहुंचाते रहिए। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।